के अंदर। ये देखो वो बसंतपुर मोहल्ला है। ये देखिए इस पुलिया के ऊपर कितने सारे लोग हैं देख रहे हैं यहाँ से। ये अभी मैं दिल्ली में हूँ और ये पुलिया क्रॉस करते ही मैं फरीदाबाद हरियाणा पहुँच जाऊँगा। इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब देखने के लिए। ये बसंतपुर है फरीदाबाद का। ये है गुर्जर चौक, गुर्जर चौक है बसंतपुर का इलाका। ये है बसंतपुर। देखिए आगे और बुरा हाल है, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है उधर। यहाँ बसंतपुर के लोग भी बाहर आए होंगे और इधर भी NDRF की टीम मौजूद होगी। चलते देखते आगे क्या है। ये देखे हैं बसंतपुर में जो है यहाँ तक पानी आ गया है। ये लगभग ऊपर ही आ जाएगा थोड़ा सा और एक दो दिन में अगर पानी का लेवल ऊपर आए तो। नहीं वो पीछे पुलिया है, वो पुलिया क्रॉस करके मैं अभी फरीदाबाद में आ चुका हूँ। ये बसंतपुर है, गुर्जर चौक भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर मैं देखने के लिए आया हूँ यहाँ का पानी कितना ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है। ये देखिए यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि सब और ज़्यादा पानी यहाँ पर ऊपर पर लेवल से आ चुका है। ये देखिए पूरा घर जो है डूब गया है। जिसका फर्स्ट फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर तो डूब ही चुका है, उसके ऊपर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है। ये राजू तंदूरी चिकन ढाबा, यहाँ के जो लोग होंगे निवासी वो समझ जाएंगे इसको। और ये देखिए कितना ऊपर आ गया। ये वहाँ अंदर जाके भी देख रहे हैं, वहाँ पे देखिए कोई निकलने की कोशिश कर रहा है। बसंतपुर पुष्टा रोड एंक्लेव पार्ट टू फरीदाबाद हरियाणा। ये देखिए ये लोग रस्सी से पकड़ गए टायर के अंदर, चले आ रहे हैं अंदर से। ये बसंतपुर का इलाका है फरीदाबाद। भास्कर डेयरी के पास ये आवाना प्रॉपर्टीज, वहाँ पे खान चिकन फ्राई कॉर्नर, यहाँ तक पानी आ गया है। ये सब बेचारे लोग बाहर आए हुए हैं। ये है नंबरदार चौक गांव बसंतपुर। ये भी बसंतपुर गांव है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था कि देखे कौन कौन से गांव आते हैं, तो अभी तक बसंतपुर गांव चल रहा है। यहाँ पर भी पानी का लेवल बिल्कुल यहाँ पे आ गया है। नंबरदार चौक के पास पुलिस लोग सब बैठे हुए हैं और एरिया के सब लोग हैं।